गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे सब आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल घुमक का तेज में। फ्रेंड्स, आज हमें ट्रिप का डे 5 है। इधर से हम जाने वाले मुर्डेश्वर, इन रूट 2-3 साइट सीन है वो कवर करूँगा, आपको भी दिखा मैं भी दिखाऊँगा आपको भी मैं भी देखूँगा आपको भी दिखाऊँगा। सो चैनल में बने रहना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अब तक जितने ब्लॉग आए आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी हम चल रहे हैं ब्रेकफास्ट पे, देखते क्या क्या है ब्रेकफास्ट में। लेट मैं ज़्यादा ब्रेकफास्ट नहीं करता, आपने देखा होगा लाइट ब्रेकफास्ट करता हूँ। सो जो भी है ब्रेकफास्ट टेबल में मिलते हैं, आप भी मेरे साथ वर्चुअली ब्रेकफास्ट कीजिए। लेट्स गो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हम कह रहे हैं अभी डे 5 का ब्रेकफास्ट, जूस पम कुछ बोलते हैं उसको, कुछ पता नहीं, ब्रेड ब्रेड सांबा फ्रूट्स बटर, पापा भी इडली और मेदू वड़ा खा रहे हैं, मेरा मन नहीं खाने का। सो ये लाइट खा रहा हूँ अभी। सो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, आप भी मेरे साथ वर्चुअली ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम आए आज के साइड सीन, फर्स्ट साइड सीन सहस्रलिंगा। 2 से 2.5 घंटे बस से जर्नी थी हमारे होटल से। अब सहस्रलिंगा जो हमारा साइड सीन है वो हम एक्सप्लोर करेंगे, आप भी देखिए मैं भी देखता हूँ। सो चले चलते हैं। अभी हम लोग आए सहस्रलिंगा के लिए। तो सहस्रलिंगा की बहुत सारी स्टोरी है, पर यहाँ की एक पौराणिक स्टोरी है। एक सोंडी राजा करके राजा था, उसको पुत्र प्राप्ति के लिए उसने बहुत बार ट्राई किया, पर उसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो उस वजह से उसने उसको एक ऋषि मुनि ने बताया, क्योंकि आपको एक बार 1000 शिवलिंगों के ऊपर अभिषेक करना पड़ेगा। पर अगर एक बार आप कोई भी होगा तो भी एक बार में 1000 शिवलिंगों पे अभिषेक नहीं कर सकता था। उस वजह से उसने क्या किया, ये नदी के पात्र में कारागिर बुलाए और 1000 शिवलिंग बना के लिए, और एक बार में नदी की धारा छोड़ दी। उसके बाद उसका जो अभिषेक था वो पूरा हो गया और उसको पुत्र प्राप्ति हुई। ये पौराणिक स्टोरी है। ये आप ये देखो नंदी बेल, इधर शिव शंभू की लिंग है, शिवलिंग देख सकते, इधर भी शिवलिंग है, हर जगह है। इधर भी नंदी बेल है, इधर भी नंदी बेल है, हर जगह है। इधर भी नंदी बेल है, ये देखिए शिवलिंग, इधर भी देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, ये हम हैंगिंग ब्रिज, आपने ड्रोन शॉट देखा होगा, कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। ड्रोन शॉट, ड्रोन का पंगा होता थोड़ा सा, वो झाड़ झाड़ था ना तो नीचे लैंड नहीं हो रहा था, तो लैंड किया मैंने। कोई नहीं, चलते हैं, सब एक्सपीरियंस आता है फिर कैसे लैंडिंग से। हाँ छोड़ो, आप देखिए ब्रिज देखिए, हैंगिंग ब्रिज एकदम मस्त ब्रिज है। ये देखिए ड्रोन का बैग लटका है गले में, क्या करेगा, एक ब्लॉगर की लाइफ ऐसी ही होती है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट के तरफ, या शायद लंच होगा, देखते जो होगा आपको दिखाऊंगा मैं। लेट्स गो फ्रेंड्स, आ जाओ लंच करने। तो आज इधर भी लंच दे सकते हैं, राइस पूरी सब्जी है, नाम पता नहीं, दही सारी स्वीट है, पापा भी एंजॉय कर रहे। सो मैं भी एंजॉय करता हूँ, आप भी मेरे साथ वर्चुअली एंजॉय कीजिए, लंच करने आ जाओ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये पीछे का जो होटल है, हम लोग ने लंच किया, सिंपल लंच था, मैंने दिखाया आपको व्लॉग में क्या था लंच में, नाम सब्जी कुछ याद नहीं रहता है, तो हम इसे सब्जी बताया नहीं कौन सी सब्जी है, मगर सिंपल था, अच्छा सा, और एक ग्लास छाछ पिया, मस्त लगा था। और इतना गर्मी है ना, ऐसा लगे 40 डिग्री जैसे टेम्परेचर है। सो फ्रेंड्स, अभी 2 से 3 घंटे का वापस बस जर्नी है, इन बिटवीन एक साइट सीन है, वो साइट सीन कवर करेंगे, उसके बाद
हमारा जो मुर्डेश्वर के होटल है वहाँ चेकिंग करेंगे, तो साइट सीन कॉल करते जब जाएंगे साइट सीन तब आपको बताऊँगा मैं, उसके बाद होटल पर चेकिंग करेंगे। सो वही बस पे जा रहे हैं, लेट्स गो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हम आए हमारे जो सेकेंड साइट सीन है जोग वाटरफॉल, करीब एक घंटे की बस राइड के बाद देखते हैं क्या क्या, जो पानी भी नहीं है कि नहीं, अगर पानी भी रहेगा अच्छा रहेगा तो भी ड्रोन शॉट लूँगा, वरना फिर ऐसे ही शूट करूँगा। लेट्स गो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं जोग फॉल्स, थोड़ा तो पानी है वरना मुझे लगा कुछ भी नहीं है। इधर देख सकते हैं थोड़ा वाटर फ्लो हो रहा है, इतना भी नहीं होगा, ठीक है कुछ नहीं से अच्छा थोड़ा तो है, देख सकते हैं आप। डोर देखता सोचा हूँ उड़ाएगा तो उड़ाऊँगा, नहीं तो रहने दो। देख सकते हैं अच्छे से। सो फ्रेंड्स हमने अभी अपने जो होटल है मुर्डेश्वर का RMS रेसिडेंसी उसमें चेकिंग किया है। आपको इधर का नज़ारा देखा तो हम लोग का रूम है ना एकदम मस्त लोकेशन पे है, आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स क्या नज़ारा है रूम का, एकदम सी टच रूम है हम लोग का, देख सकते हो कितना मस्त समुंदर किनारा दिख रहा है। अभी एक्सप्लोर करना है, कल जाना है, तो आप अभी से नज़ारा देखिए, ट्रेलर का नज़ारा देखिए, कितना मस्त समुद्र किनारा है, एंजॉय करेंगे आप भी, मैं भी, मेरे साथ आप भी, दोनों एंजॉय करेंगे। चला अभी चलते, थोड़ा फ्रेशअप होता फिर बाद में बात करता हूँ। सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। होटल चेक इन किया उसके बाद थोड़ा सा फ्रेशअप हुआ, एक पावर नैप लिया, उसके बाद डिनर गए, डिनर के बाद सब सामान करका कपड़े वपड़े सब निकालना, पैक करना, और फिर ड्रोन चार्ज भी लगाया क्योंकि आज फाइनली मैं बहुत खुश हूँ कि इतने दिन से वेट कर रहा था, आज ड्रोन उड़ाने को मिला, अच्छे से ड्रोन उड़ाया। वो साइड सीन है सर, जो साइड सीन है वो आप देखा होगा कितना अच्छा ड्रोन शॉट लिया मैंने, और फिर मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा वो ड्रोन शॉट। और कल सबसे बिग या मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट साइड सीन है, पूरा टूर का हाईलाइट साइड सीन है, वो हम देखने जाने वाले हैं। आई होप ड्रोन उड़ाने को मिले क्योंकि होटल से परमिशन नहीं मिली, कोई नहीं बीच है उधर से ड्रोन लूँगा, अच्छे अच्छे शॉट लूँगा, मैं भी खुद एंजॉय करूँगा, आप भी एंजॉय करना। सो अभी मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, अभी नींद आ रही है। सो कल मिलते हैं, चैनल पे न्यू हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं कल, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।